हेलो आप सभी को। आप सभी देख रहे हैं थंबनेल के अनुसार कि झारखंड के चतरा में होमगार्ड का भर्ती निकला है। तो चलिए देखते हैं, झारखंड गिर रक्षा वाहिनी चतरा, विज्ञापन संख्या 1/2019-20 का है। चतरा जिला के गिर रक्षक के रूप में नामकरण के लिए विज्ञापन। चतरा जिला के गिर रक्षक रूप में नामकरण के रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग उम्मीदवारों से विहित प्रमाण पत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, गिर रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवी संगठन है तथा गिर रक्षक, ये इसके बारे में बताया है। अब आगे नीचे देखते हैं कि ग्रामीण गिर रक्षकों के लिए रिक्ति कहाँ कहाँ है, मतलब सीट कहाँ कहाँ है, कौन सा प्रखंड में। तो चलिए देखते हैं, प्रखंड का नाम देख सकते हैं, सिमरिया प्रखंड है, हटरगंज प्रखंड है, इटखोरी प्रखंड है, प्रतापपुर प्रखंड है, कुंदा प्रखंड है, पत्थलगढ़ा प्रखंड है, टंडवा प्रखंड है, लावालौंग प्रखंड है, कान्हा चट्टी प्रखंड है, मयूर हंड प्रखंड है, सदर चतरा प्रखंड है। इसमें सीट भी सबसे देख सकते हैं, इधर महिला के लिए 23 है, 24 है, 32 है, ऐसे करके महिला के लिए मतलब टोटल 433 है और पुरुषों के लिए 442 है। टोटल होमगार्ड का भर्ती है जो कि ये ग्रामीण महिला एवं पुरुषों गिर रक्षकों के लिए रिक्ति है। अब देखते हैं शहरी गिर रक्षकों के लिए रिक्ति 19 है टोटल। उन्नीस लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5-5 ही दिया हुआ, 5 महिला के लिए 5 पुरुष के लिए। और हाँ, और नीचे देख रहे हैं प्रखंड का नाम शहरी, कोई प्रखंड मतलब शहरी प्रखंड क्या होगा, तो उसमें देखिए महिला का 4 और पुरुषों का 5 है। वो गैर तकनीकी महिला पुरुषों और इसमें तकनीकी महिला पुरुष को गिर रक्षकों के लिए रिक्ति है। अब जैसे उपरक मतलब ऊपर दोनों कोटि ग्रामीण वाला में और शहरी के लिए 50% है जो प्रतिशत महिलाओं के लिए रिजर्व है, मतलब कर्नाकित मतलब रिजर्व होता है। इसमें 5% जो होगा तलाक से शुदाशुदा महिला के लिए, परित्यक्ता के लिए, विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा अभ्यर्थियों में उपलब्ध नहीं रहने के स्थिति में वक्त 5% पदा पुनः महिलाओं के लिए कर्नाकित प्रतिशत में शामिल हो जाएगा। मतलब अगर 5% जो भी विधवा तलाकशुदा नहीं होगा तो उसमें 50% जो था 50% के महिलाओं में वो इंक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब कि जो बिना तलाकशुदा विधवा का महिलाओं को लिया जाएगा। गिर रक्षक के लिए रिक्ति में 50% पद तकनीक दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा, ये लिखा हुआ है। आइए नीचे देखते हैं, आवासीय ग्रामीण गिर रक्षक मतलब कैसे कैसे लिया जाएगा, क्या चाहिए चतरा होमगार्ड के लिए। अभ्यर्थी को चतरा जिले के उस प्रखंड का अस्थायी निवास होना चाहिए जहां से ग्रामीण गिर रक्षक के रूप में नामकरण के लिए आवेदन देता है। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करें। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए यहाँ प्रखंड का नाम दिया हुआ है सदर चतरा, तो अगर आप सदर चतरा से के निवासी हैं तो वही लोग मतलब इस जो प्रखंड का नाम दिया हुआ है वही लोग सिर्फ ये होमगार्ड को भर सकते हैं फॉर्म, और अदर जिला और अदर प्रखंड का मतलब दूसरे जिला का और दूसरे प्रखंड का ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है कि अभ्यर्थी को चतरा जिले के उस प्रखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गिर रक्षक के रूप में नामकरण के लिए आवेदन देता है।
सेम उसी तरह लिखा है शहरी गृह रक्षक के लिए उम्र सीमा होना चाहिए 1/1/2019 को 19 से 40, मतलब 1/1/2019 तक 19 साल हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक होना चाहिए। सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र की, मतलब जो ये जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है और ये ब्लॉक में, वो भी साथ में देना होगा ओरिजिनल, ये जरूर करके। अब शिक्षा, मतलब शिक्षा क्या चाहिए वो देखते हैं। 7वां पास कम से कम गृह रक्षक के लिए और शहरी के लिए 10वीं पास शहरी गृह रक्षकों के लिए, होमगार्ड के लिए। तो अगर कोई दूसरा जिला का भी देख रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं बहुत सारा अपडेट करता रहूँगा, ठीक है, निराश ना हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत ही अब थोड़ा खतरनाक अपलोड करता रहूँगा जानकारी जो आपके फ़ायदा हो। चलिए आप देखते हैं शारीरिक मापदंड। लंबाई पुरुषों का 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें कि सामान्य ओबीसी बीस ये सब आना चाहिए, और 157 आ जा, मतलब शायद ST SC होंगे। अब महिला 148 सेंटीमीटर का होना चाहिए सभी वर्ग के लिए। सीना होना चाहिए पुरुषों का 79 सेंटीमीटर, सामान्य ओबीसी बीसी 76 सेंटीमीटर, ST SC का आ जा। शारीरिक माप छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न उसके साथ देंगे एक जाति प्रमाण पत्र। अब देखते हैं तकनीकी दक्षता। सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी के लिए, मतलब तकनीकी दक्षता सिर्फ शहर गृह रक्षक होमगार्ड के लिए जो भरेंगे उनके लिए है, गृह रक्षक के लिए मतलब वो तकनीकी दक्षता नहीं है। अभ्यर्थी को जो शहरी तकनीकी दक्षता शहरी के लिए वो देखते हैं। अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों का दक्षता होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत संयुक्त जानकार होना चाहिए। मतलब वो तकनीकी दक्षता मतलब होता है कि वो चिकित्सक या नर्स, कंप्यूटर टंकंक अधियोक्ता अभियंता, लाइसेंसधारी HMV LMV रसोई चढ़ाए मोची धोबी नए बिजली मिस्त्री माली प्लम्बर आदि हो। मतलब चिकित्सा के अभियंता में अधियोक्ता अधिवक्ता नर्स है टंकिंग में काम वाम करता हो, ठीक है। अब देखते चयन प्रक्रिया। गिर विभाग झारखंड सरकार रांची के अधिसूचना संख्या 20/10 के तहत लिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए शारीरिक जांच परीक्षा, 1 मील का दौड़ लगाना है, ऊंची कूद लगाना है, लंबी कूद लगाना है, शॉर्ट फुट फेंकना है, सब कुछ इसी में सम्मिलित होगा। अब देख सकते हैं दौड़ जो 5 मिनट में दौड़ या पहले कर लेगा उसको 20 अंक मिलेंगे पुरुष को, और जो महिला को वही 8 मिनट में या फिर 8 मिनट से पहले जो करेगा उसको 20 अंक मिलेंगे। और जो ऊंची कूद है 4 फीट, कम से कम चार फीट जो लगाएगा उसको 5 अंक मिलेंगे, और महिला में जो न्यूनतम 3 फीट लगाएंगे उसको 5 अंक मिलेंगे। और लंबी कूद में मतलब लॉन्ग जंप में न्यूनतम 12 फीट जो को लगाएगा उसको 5 अंक, और न्यूनतम 9 फीट तो उसको 5 अंक। अच्छा देख सकते हैं दौड़ अगर 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले आयोग माने जाएंगे, मतलब 6 मिनट से अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और वही महिला में 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले दौड़ में लेंगे तो अगर दौड़ में तो फेल हो जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शॉर्ट फुट है उसको सोलो पाउंड को रहेगा पुरुषों का
सोलह फीट फेंकना है और 10 पाउंड का न्यूनतम 10 फीट फेंकना है कम से कम। तकनीकी दक्ष शहरी रक्षकों के अभ्यर्थी के लिए 6 मिनट या पहले 20 अंक दौड़ और 8 मिनट से अधिक समय लेने वालों को फेल माना जाएगा। वही 8 मिनट या पहले से 20 अंक माना जाएगा। उसी तरह ऊंची कूद भी देख सकते हैं किस तरह मार्क्स दिया हुआ है। लंबी कूद का भी देख सकते हैं। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिंदी लेखन क्षमता के परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। मतलब कि जो उस दिन शारीरिक जांच हो जाएगा और सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन मतलब एस लेखन में परीक्षा में शामिल हो गया जो पास हो जाएंगे शारीरिक जांच में, जिसमें ग्रामीण रक्षक गिर रक्षकों के लिए 7वीं और शहरी गिर रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 उत्तीर्णांक में 30 होगा। सिर्फ दौड़ा जाएगा वो दौड़ का ये क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 या 30 उत्तीर्ण का 30 होगा। पूरा पूरी 100 मार्क्स का होगा और कम से कम 30 मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए लेखन जिसमें लेखन होगा क्षमता में। तकनीकी दक्षता परीक्षा में देख सकते हैं शारीरिक जांच परीक्षा हिंदी लेखन क्षमता ये सब में उसमें भी देखिए 100 मार्क्स का है और 30 अंक लाना होगा कम से कम पास के लिए। सभी जांच परीक्षा में समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिवेशन में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब कि सभी जांच परीक्षा समाप्ति के बाद प्रावधान के आधार पर सब कुछ हो जाने के बाद सूची किया जाएगा कौन सेलेक्ट है कौन मतलब चयन किया जाएगा रीति का चयन किया जाएगा। फिर चिकित्सा जांच फिर पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के बाद अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड रिजर्व वाहिनी राज्य के अध्यक्षोपरांत गिरक्षक बुनियादी परीक्षण दिया जाएगा। परीक्षण समर्थापूर्वक पूर्ण पर उन्हें गिरक्षक नामकरण प्रमाण पत्र अनुसार नामकरण प्रमाण पत्र निकल दिया। मतलब कि परीक्षा में दौड़ में लेखन में मेडिकल में सभी में पास हो जाएंगे तभी सत्यापन उपरांत वगैरह में तभी आपको झारखंड द्वारा नियुक्ति के लिए पत्र दिया जाएगा। अभ्यर्थी जो राष्ट्र या राष्ट्रीय राष्ट्र राज्य या फिर राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर आप राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय कुछ खेलकूद में सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र तो अगर आप प्रथम आए हुए हैं उस खेलकूद में तो आपको 6 अंक राष्ट्रीय आधार पर और राज्य स्तरीय पर 3 अंक वही देख सकते हैं। तृतीय में 4 राष्ट्रीय स्तर में राज्य स्तर में 2 तृतीय में 2 राष्ट्रीय पर राज्य स्तरीय पर अंक। शहरी गिरक्षक के रूप में सरकारी सेवाओं के पूर्ण रिक्त 10% नामांकित करने के समय सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवा में अनुपत्ति प्रमाण पत्र 100 भी प्रमाणित 6% संलग्न करेंगे। देखिए जैसे दिया उस कौन से शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्नातकोत्तर का 10 अंक स्नातक का 8 अंक इंटरमीडिएट का 6 अंक मैट्रिक का 4 अंक जो शहरी गिर रक्षक भरेंगे उसके लिए है ये गिर रक्षक के लिए नहीं। अब आवेदन देखें यहाँ पे जमा करना जिला समादेष्टा झारखंड गिर रक्षक वाहिनी चतरा और देख सकते हैं आवेदन निबंधित डाक स्पीड के ही द्वारा डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं या फिर आप सीधा सीधे हाथों हाथ जिला सपा समादेष्टा झारखंड गिरिरक्षण वाहिनी चतरा में जाके जमा कर सकते हैं। वहाँ का पिन कोड 8854-01 और आवेदन प्राप्त करने की तिथि 5/7/2019 से शुरू हो जाएगा से लेकर 19/7/2019 तक होगा। प्रतिदिन 10 बजे से शुरू होगा
से लेकर 15 बजे तक, 15 बजे तक मतलब 10 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। 15 बजे का मतलब है 3 बजे तक। जो आवेदन हाथों हाथ प्राप्त करेंगे, मतलब जो हाथ हाथ ये प्रमाण पत्र देंगे, फॉर्म को जो जमा करेंगे अपना, उसको पावती रसीद, पावती रसीद मतलब एडमिट कार्ड साथ ही साथ दे दिया जाएगा और उसी को रोल नंबर माना जाएगा। जो आवेदक डाक द्वारा प्राप्त कर उसकी पावती अंकित अंक पर क्रमांक अंकित कर जो आवेदक का रोल नंबर माना जाएगा। समय डाक द्वारा आवेदक को पता पर भेजा जाएगा। इसके लिए आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ सदा लिफाफा पर 5 रुपये का टिकट डाक टिकट साटकर अपना पूर्ण खाता पता पर पूर्ण पता लिखकर भेजेंगे। यहाँ पे लिखा पावती प्राप्त नहीं होने या विलंब से प्राप्त होने की जिम्मेदारी कार्यालय के नहीं होगी। अगर आप डाक टिकट से भेजते हैं तो ये एडमिट पावती रसीद जो भेजा जाएगा वो आपको होमगार्ड द्वारा, ऑफिस के द्वारा, वो आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। एक ही आवेदन मतलब एक ही एक आवेदक से मतलब एक कैंडिडेट से एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। अगर पकड़ा गए तो आप हाथ से निकल जाएंगे, मतलब आप उस होमगार्ड का वैकेंसी नहीं दौड़ पाएंगे। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। तो साफ लिखा है कि पेपर में बता दिया जाएगा आगे की सूचना। आप देख सकते हैं फॉर्म में इस तरह कुछ है। फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा नेट से, देख सकते हैं, उसके बाद भर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और बहुत थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो आप सभी से गुजारिश है कि देख लें किसी तरह और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक कर दीजिएगा। आगे भी इसी तरह बहुत कुछ जानकारी देता रहूँगा। अगर दूसरे जिला से कोई देखे होंगे तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्रिया।